हमारा चिकन मोमोज गरम है, फिलिंग तो बड़ी धांसू की हुई है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि फिलिंग के नाम पे सिर्फ मजाक किया हुआ है, फिलिंग अच्छी है। और वेज मोमोज की बात करें, गोभी, प्याज, हल्का सा पनीर, गाजर। अच्छा, वेज मोमोज के नाम पे ऐसा नहीं है सिर्फ गोभी डाली हुई है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं खुशी फूड चैनल में, हूं अंकित। इस वक्त हम पटियाला में हैं, पटियाला पंजाब में हैं, और थापर यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर बहुत सारे कार्ट्स हैं लाइन से, लेकिन सबसे बेस्ट मोमोज बनाते हैं हमारे स्पेशल प्रेम मोमोज वाले भैया जो हैं। प्रेम नाम है इनका फिलहाल, जो है वो प्रेम भैया है नहीं, उस्ताद जी। उस्ताद जी कहाँ गए? उस्ताद जी सर थोड़ा घर पे काम है। घर पे काम है, आपका क्या नाम है? लड्डू है सर। लड्डू, अरे गजब लड्डू। तो आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? वैसे मुझे बहुत साल हो गए, 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। अभी क्या चल रहा है? सूप। सूप चल रहा है अभी, हम भी टेस्टिंग करेंगे सूप की। चिकन सूप मुझे दे देना थोड़ा सा, साथ में वेज मोमोज और आपके चिकन मोमोज। प्राइस की अगर मैं बात करूँ, प्राइस जो है फ्राइड चिकन मोमोज 60, हाफ फुल 100, स्टीम चिकन मोमोज 50, 90, फ्राई वेज मोमोज 50, 80, स्टीम वेज मोमोज 40-70, चिकन सूप 25-45, वेज सूप 25-45। नंबर भी दिया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। कुछ थापर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं बात करना चाहेंगे बहुत, मतलब आपने मुझे बताया कि बेस्ट यहाँ पे इन्हीं के मोमोज है। तो कितने टाइम से खा रहे हैं आप लोग? अभी तो इतने टाइम से नहीं, मतलब हम तो अभी जस्ट आए हैं। यूजुअली तीन है यहाँ पे, एक यहाँ पे फ्रेंड्स है, एक ये है और एक काठमांडू। बट आसपास सबसे बेस्ट है कि नॉन वेज मोमोज अगर आपको खाने तो यहाँ पे काफी अच्छे मिल जाते हैं। ऑलराइट, फाइन, ठीक है। और पटियाला आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हैं आप लोग? तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, जो फास्ट फूड खाया जाता है, कहाँ पर जाकर खाते हैं ज्यादा? मेरा गो टू प्लेस अगर यूनिवर्सिटी का लेकर चले तो यहाँ पे मंटू वगैरह है। तो मंटू मैगी हो गया, मोमोज हो गए। अच्छा, इधर ही है कार्ड। ऑलराइट, तो ये मेन गेट है थापर यूनिवर्सिटी का, उसके बगल में, उसके आसपास। थैंक यू सो मच। अगर आपको जाना तो 22। ऑलराइट, थैंक यू, एंजॉय योर मील। थैंक यू। चलिए टेस्टिंग करते हैं और देखेंगे उसके बाद क्या कुछ खिला रहे हैं। कहाँ भैया हमारे? उधर आ जाओ। चलिए तो अजीम, कैसे मोमोज हैं? बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया है। कितने टाइम से खा रहे हो आप मोमोज यहाँ पे? कितने टाइम हो गए? हो गए 4-5 साल। अरे वाह, शौकीन हो मोमोज के? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। स्पेशल प्रेम मोमोज पटियाला वाले प्रेम भैया के, टेस्टिंग करते हैं फिर बताएंगे आपको। हालांकि प्राइस भी मुझे नॉर्मल लग रहा है, लेकिन टेस्टिंग में कैसे हैं वो हम आपको बताने वाले हैं टेस्ट करके। हर जगह का अपना अपना स्वाद होता है, अपना मसाला तैयार करने का भी स्टाइल होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, जगह जगह पर डिपेंड करता है। कहीं कोई मीठा तीखा ज़्यादा खाता है, मीठा खाता है, कम स्पाइसी खाता है। तो यूनिवर्सिटी के अक्सर यहाँ पर बच्चे आते हैं, वो कैसे कैसा खाना पसंद करते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो है हमारा चिकन मोमोज गरम है, फिलिंग तो बड़ी धांसू की हुई है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि फिलिंग के नाम पे सिर्फ मजाक किया हुआ है, फिलिंग अच्छी है। टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। मेयोनीज सॉस, ठीक से कुक्ड है, कच्चापन नहीं है बिल्कुल भी, ज़्यादा कि काफ़ी जगह देखा गया है कच्चापन होता है। जो लेयर होती है बाहर की, जो मोमोज का जो टेक्सचर है बाहर का, जो खाने का लेयर जो है वो बिल्कुल पतली है, हैवी नहीं है। जो गांठ मिल जाती है मैदे की वो नहीं है। चिकन मोमोज बढ़िया है। फिलिंग वेज मोमोज की बात करें, आइए जरा, वेज मोमोज। और वेज मोमोज की बात करें, गोभी, प्याज, हल्का सा पनीर, गाजर। अच्छा, वेज मोमोज के नाम पे ऐसा नहीं है सिर्फ गोभी डाली हुई है, इसमें भी वैरायटी देखने को मिलेगी। वेल कुक्ड, वेल स्टीम, सूप,
अब चिकन सूप। हालांकि गर्मियां शुरू हो गई हैं, चिकन सूप जो है सर्दियों का आइटम है, लेकिन फिर भी वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, नॉर्मल है। चिकन भी, चिकन का जो पीसेस डाले गए हैं, जो मैश करके डाले गए हैं, वो भी ठीक ठाक है। इसकी इसका प्राइस क्या चिकन सूप का? वो सर 45 का, हाफ 25 का। हाफ 25 बस। ये डालने के लिए इसमें प्याज है सिरके वाला और हरी मिर्च, और ये है गार्लिक, और बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से पटियाला है तो ज़रूर आना चाहिए आपको यहाँ पर। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर कार्ड्स हैं बहुत सारे, उसमें आप देखिएगा प्रेम मोमोज वाले भैया के पास एक बार अवश्य आएँ। लाल गेट नहीं, देखते रहिए फिश इज द फूड ट्रेंड बॉय।